बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 2 मई को शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से रवाना होगी डोली। 3 मई को सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे कपाट। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर खोले जाएंगे। चैत्र नवरात्र पर गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने के शुभ मुहूर्त निकाला है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर्व के अभिजीत मुहूर्त पर ठीक सुबह 11:15 पर देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज नवरात्र पर गंगा धर्मशाला उत्तरकाशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने बैठक की, जिसमें पंचांग देखकर तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने का शुभ मुहूर्त तय किया। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने कहा कि 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से गंगा की डोली दोपहर 12:15 पर गंगोत्री के लिए रवाना होगी और जिसके बाद रात्रि विश्राम के लिए गंगा की डोली यात्रा भैरव घाटी पहुंचेगी, जहां भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। वहीं 3 मई की सुबह 5:30 पर गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। गंगोत्री धाम पहुंचने पर गंगा लहरी पाठ, गंगा सहस्त्र नाम पाठ, गंगा हवन और गंगा आरती का कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को अक्षय तृतीया पर ही खोले जाने हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त 7 अप्रैल को यमुना जयंती पर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की ओर से तय किया जाएगा। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों में टुमेश सेमवाल, महेश सेमवाल आदि मौजूद रहेंगे।